आज हमारी शूटिंग का पहला दिन है और इसके लिए हम गए थे लखाईडी गांव। लखाईडी के प्रधान कानूराम टुडू जी और माझी बाबा ने मिलकर के सबसे पहले आराधना किया कैमरे मतलब शूटिंग का। करने से पहले भी पूजा वगैरह करते हैं आप लोग? जब भी शूटिंग शुरू होता है तो उससे सबसे पहले हम पूजा करते हैं, उसके बाद ही शुभ करते हैं, उसके बाद ही आगे बढ़ते ये कौन हैं। है जो अभी पूजा कर रहे हैं? ये संजय वर्मा जी हैं, बॉलीवुड के सुप्रसिद्ध एक्टर हैं, आपने इनको कई फिल्मों में देखा होगा। मणिकर्णिका में इन्होंने झांसी की रानी के फादर का रोल प्ले किया है कंगना ये रनौत के फादर का? जी। और ये रॉकी जी हैं जो कि कोरियोग्राफर हैं हमारे गानों के। ये भैरव अच्छा, जी महाराज हैं सब लोग पूजा कर रहे और हैं। पीछे वहाँ पे पंकज जी खड़े हैं, ये पंकज जी हैं कैमरामैन जो हैं कैमरामैन हैं। तो ये शूटिंग सिमल टुडू जी के गानों का हो रहा जी है। ये सीमल टूडू जी के गाने में। और देखिए ये है बुबुन मार्डी जो कि इनको तो सब जानते हैं, सांथाली एक्टर हैं ये। अच्छा, ये गाना कौन सा है जिसमें अभिनय कर रहे हैं? ये गाना है ये अच्छा, तो इस गाने में आप लोगों ने ड्रोन कैमरे का भी इस्तेमाल किया है? जी, इसमें ड्रोन का इस्तेमाल हुआ है। और देखिए ड्रोन न्यू टेक्नोलॉजी और कल्चरल टेक्नोलॉजी, यानी कि वाद्य यंत्र हैं पुराने हाँ, जो कि सांथाली के अपने ट्रेडिशनल वाद्य यंत्र हैं, और न्यू टेक्नोलॉजी ड्रोन लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। देखिए कितना सुंदर लग रहा है। और जोहार साथ जोहार गाने में पे सभी डांस कर जी रहे साथ हैं। में प्रकृति, लखाईडी की सुंदर प्रकृति और सुंदर लोग अब ये सब गांव वाले सारे हैं जो शूटिंग देख रहे जी जी हैं। जी सब गांव वाले हैं। और उन्होंने पार्टिसिपेट भी किया है इसमें, यानी कि एक्टिंग भी किया है, डांस किया है अच्छा, ये देखिए दो बच्चे कितने प्यारे लग रहे हैं, एकदम जी। ट्रेडिशनल ड्रेस में। बहुत क्यूट लग रहे हैं बच्चे, बहुत क्यूट लग रहे थे। और उन्होंने बहुत अच्छे से, ये बहुत बड़े एक्टर हैं, कमाल के एक्टर हैं। अच्छा, हाँ पूरा इंस्ट्रक्शन फॉलो कर रहे थे। देखिए 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 वो मम्मी के साथ हाथ पकड़ के। ये थोड़े से शैतान बच्चे भी थे वो मम्मी को छोड़ ही नहीं रहे थे। ठीक है, भैरव बच्चे हैं तो जी बचपना ही महाराज करेंगे। हार अच्छा, गए, मना भैरव जी ने मना चाहा कि इनको मतलब फ्रेम से थोड़ा सा हटाएं ताकि हटाए शूटिंग हो, तो वो नहीं हो पाया। देखिए नहीं, वो वो बच्चा अपनी हर मम्मी के बार गोद में चढ़ बार गया। जी, हर ब्रेक में वो आ जाता था रोता हुआ अच्छा, देखिए वाद्य यंत्र कितना सुंदर है। ये सब बजा है ना? जी, सबका यूज सबका हुआ है। यूज हुआ है। और ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है। ये कानूराम टुडू जी एकदम पूरा एक्टिव रोल में है। जी, उनका इनका ही सहयोग था, और वो इन्हीं के देखिए ब्लू साथ ब्लू में सब धोती लोगों का में सिमल टुडू जो जी। सुपरस्टार हाँ सिंगर हाँ हैं, हाँ देखिए। इन्हीं के तो हाँ गाने हैं, इनका तो होना ही था इस हाँ इस हाँ सब में, गाने के शूट पर इनका तो होना ही तो था। कैसा आपका अनुभव रहा है यहाँ लखाईडी गांव में शूटिंग बहुत का? हेल्पफुल लोग हैं, बहुत सुंदर वातावरण, बहुत साफ सुथरा है। और मैं आपको एक और बात बताऊं कि ये लखाईडी जो है वो पूर्णतः नशा मुक्त गांव है। मतलब शराब तो बहुत बड़ी चीज़ हो गई, तंबाकू गुटखा बीड़ी और ये सब नहीं मिलेगा। और जैसे आप वहाँ जाएंगे तो आपको हड़िया हर जगह मिल जाता है, यहाँ पर नहीं मिलेगा। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात प्रधान जी है। का इस चीज़ को लेके बहुत स्ट्रिक्टनेस है, और कोई आएगा भी बाहर से तो उसको भी अलाउड नहीं है जी। तो मतलब मानकर चले कि जो गाना बनेगा धूम मचने वाली है। सिमल जी के गानों में तो वैसे ही धूम मची हुई है, और धूम धड़ाका होगा अच्छा, वीडियो हो गया तो और भी धूम धड़ाका हो जाएगा, अब लोगों को बहुत पसंद आएगा, है ना? हाँ जी, गांव बहुत में बहुत अच्छा। हमको सहयोग मिला, बहुत अच्छा, अच्छा। हम कहाँ जहाँ पर भी शूट के लिए गए, सब जगह हमको अच्छा सहयोग मिला है, और सबका बहुत अच्छा, ग्रामीणों का, वहाँ के संथाली लोगों का, हमको बहुत बहुत सहयोग मिला। और ये पीछे क्या चल रहा है मधुबन, बताइए जरा। ये अब दूसरे गाना औरन बोरन की जो है शूटिंग हो रही है। ये सही। देखिए संजय जी, आप देख रहे हैं वही धुन निकालने की पूरा कोशिश कर, तो हाँ काफी हद हाँ तक मैच भी किया उन्होंने। हाँ हाँ हाँ
खैडी के जो प्रधान जी है ना, उनकी वाइफ को बहुत पसंद है यारा गाना अरुण बोरन। अच्छा जी, और भी बहुत लोगों को पसंद है, मैंने बहुत लोगों से बात की ना। हाँ। तो और कमेंट सेक्शन में भी हमको लोग बहुत लिखते हैं कि औरन बोरन औरन बोरन। देखिए ये नौजवान कितना सजा हुआ है, कितना सुंदर लग रहा था अभी उसके सर पे, और देखिए बच्चे के सर में भी ऐसे। अच्छा ये प्रधान जी की वाइफ है जो सबसे लास्ट में दिख रही है, अरे उनका फेवरेट सॉन्ग है तो। अच्छा देखिए जरा उनका फेवरेट सॉन्ग है तो उसमें नहीं वो करेंगी पार्टिसिपेट। ओहो क्या बात है, क्या बात है। देखिए बच्चे लगातार एंजॉय कर रहे हैं और पार्टिसिपेट कर रहे हैं गानों में। देखिए पीछे प्रधान जी खड़े हैं अपनी वाइफ के पीछे जहाँ वो डांस कर रही हैं। देखिए कोई दर्शक जा रहा है, लग रहा है राहगीर वो भी शूटिंग का वीडियो बनाने लगा। बहुत अच्छा, मतलब सब एंजॉय कर रहे हैं एकदम। देखिए कितना सुंदर लग रहा है ये वहाँ का पारंपरिक वाद्य यंत्र, और महिलाएं इतने खूबसूरत ड्रेसेज में सजी धजी। देखिए छोटे बच्चे को एंजॉय कर रहा है। त्योहार जैसा माहौल वहाँ पर हो गया था, और ऐसा नहीं लग रहा था कि हम शूट कर रहे हैं, तो सब लोग बड़ी खुशी से उसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे। कितना खूबसूरत दृश्य है, ऐसा पीछे लग पहाड़ी है जी, इधर जंगल है, बहुत सुंदर जगह है। कितना अच्छे से, कितने मनोयोग से, मन लगा कर सब लोग कर रहे हैं डांस। वाह, तो मतलब हम मानकर चले कि ये जब गाना आएगा तो धूमधड़ाका होने वाला है। जी जैसे कि मैंने पहले भी कहा, सिमल जी को बहुत लोग पसंद करते हैं वहाँ पर। सिमल जी के गाने हैं भी बहुत अच्छे और अलग, ये नहीं कि कुछ भी। इनके सर में मोर का पंख भी है क्या जो? हाँ देखिए जरा क्या। खैडी को माना जाए कि शूटिंग के लिए बहुत अच्छा जगह है, मतलब आप जाएं और शूटिंग करें, मतलब प्रकृति नहीं, आपकी डिमांड, मतलब आपके जो शूट का डिमांड है उसके अनुसार अगर पहाड़ी क्षेत्र में करना चाहते हैं तो अच्छी जगह है। पंकते रोड़ जोंगे सनहा निचल बेड़ा रे ला जाओ।